आप इसी से रोके ना लोगों को। कोई बात नहीं, ये भी भाई। मैं सबसे पहले नर के लोगों को इतनी खूबसूरत जगह पे रहने का इतनी खूबसूरत जगह पे जिधर आप रहते हैं, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपको इतनी खूबसूरत जगह अल्लाह ने नसीब की है। आपको मुबारक हो। आया तो मैं आज मुर्तजा को मिलने के लिए था, इसने मुझे कहा था कि बड़ी खूबसूरत जगह, और मुझे वैसे पहाड़ों का शौक है और खूबसूरत जगहों का शौक है, तो मैं तो सिर्फ मित्र चाय पीने आया था। लेकिन आप सबको देख के मैं सिर्फ चंद बातें करूंगा। नौजवानों, खास तौर पे मैं आपसे मुखातिब हूं। देखें, ये जो हमारा मुल्क बना था, ये एक बहुत बड़ी अजीम ख्वाब का नाम पाकिस्तान था। ये दुनिया के अंदर एक मिसाल बननी थी कि इस्लामी फलाई रियासत क्या होती है। हमारा लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसके जो दुश्मन भी थे वो कायद आजम को सादिक और अमीन कहते थे, सच्चा और ईमानदार आदमी। कायद आजम अंग्रेजी में तकरीर करते थे, जिनको अंग्रेजी की समझ भी नहीं आती थी वो सारे कहते थे सच बोल रहा है, सच्चा आदमी। आज अगर पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, गुर्बत बढ़ रही है, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, स्कूलों से बाहर हैं, बेरोजगारी है, एक मकरूज मुल्क कर्जे वापस करने में अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालता है ताकि टैक्स लगे अवाम से, जिससे महंगाई हो ताकि कर्जे वापस किए जाए। एक छोटा सा तबका अमीर होता जा रहा है और सारी कौम पीछे जा रही है। आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। आज हमारे देखते देखते बर्रे सगीर के सारे मुल्क हमारे से तेजी से तरक्की कर गए हैं और पाकिस्तान पीछे रह गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब एक मुल्क का हुक्मरान झूठा होता है, बददियानतदार होता है, चोरी करता है, वो सारे मुल्क का निजाम तबाह कर देता है, मुल्क के इदारे तबाह कर देता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, इधर भी इतनी दूर रहते हुए भी आप सब में शऊर आ चुका है। नवाज शरीफ चोर है,
एक मिनट, ये नहीं कि गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है सारा टब्बर चोर है। जो चीजें जेआईटी में सामने आई है, नवाज शरीफ मैं आपकी जगह होता मैं शर्म से डूब जाता। यानी कि ये नहीं कि नवाज शरीफ कहता है 30 साल से हमारा एहतसाब हो रहा है। नवाज शरीफ 30 साल से आपका एहतसाब नहीं हुआ क्योंकि आपने पैसा चलाया, इंसाफ को खरीदा, इदारों को तबाह किया। आपने हमेशा मुकमुका किया डाकुओं से, आपने इंसाफ के इदारों को तबाह किया चोरी करने के लिए। आपने अपनी चोरी करते करते बाकी सारे जो मुल्क बनने जा रहा था, करप्शन और चोरी ने इदारे तबाह किए। और जब एक मुल्क के इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम, ना इंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। आज जुल्म का निजाम, ना इंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। आज सिर्फ हमारे मुल्क में मसला एक है, करप्शन का। करप्शन इदारे नहीं बनने देती, करप्शन इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं होने देती, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती। 1000 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग होके जो हर साल पाकिस्तान से बाहर जाता है उसकी वजह से आईएमएफ से कर्जे लेने पड़ते हैं, कर्जे वापस करने के लिए महंगाई करते हैं। अगर वो 1000 अरब पाकिस्तान में खर्च हो तो नौजवानों आपको नौकरियां मिले, खुशहाली आए। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये अगला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम हफ्ता आ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस हफ्ते में फैसला होगा कि क्या ये डाकुओं का पाकिस्तान होगा या नया पाकिस्तान बनेगा। इंशाल्लाह ये क्लब, ये नवाज शरीफ का क्लब माफिया। माफिया क्या होता है? माफिया वो होता है, माफिया वो होता है जो या लोगों को खरीदता है और या लोगों को इंतकामी कार्रवाई करके रास्ते से हटा देता है। ये शरीफ माफिया, बाकी भी माफिया उनकी दिफा करता है क्योंकि इसने खुद पैसे चोरी करने होते हैं, बाकी भी किसी करप्ट चोर को नहीं पकड़ सकता। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो फैसला आ रहा है, जो जेआईटी की रिपोर्ट में आ गया है और जेआईटी के मेंबर्स, मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूं। जेआईटी ने जो काम किया है, जेआईटी के मेंबर्स, ये पाकिस्तान की कौम आपको कभी नहीं भूलेगी। हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते, मुझे अगले हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूं नौजवानों। इंशाल्लाह जब नया पाकिस्तान का फैसला आएगा
और नया पाकिस्तान तो तब बनेगा जब ताकतवर चोरों को कानून के नीचे लाया जाएगा। तो जब नया पाकिस्तान बनेगा आप सब ने आना है इस्लामाबाद में, हम खुशियां बनाएंगे, हम जश्न मनाएंगे। आपको शुक्रिया। कहुटा में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का जलसे से खिताब और हुकूमत पर उन्होंने तनकीद के बाउंसर्स फेंके और कहा कि दुनिया के अंदर हमारा मुल्क किसी मिसाल से कम नहीं था, 2.5 करोड़ बच्चे आज तालीम से महरूम हैं।